आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है जानने का कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रिडार पे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेड का चौका। ट्रेड के चौके में सुमित और कुनार आप दोनों से ही समझेंगे कहाँ पे है आपकी नजर। सुमित, पहले आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स पे फिलहाल हमारे दर्शक ट्रेड ले सकते हैं। जी देखिए, यहाँ दोनों बाय साइड के ही कॉल रहेंगे। जो पहला स्टॉक है वो है एबीबी। एबीबी इंडिया देखिए, एक 15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट लेवल पे है। देखने जाए तो कल लास्ट सेशन में भी काफी अच्छी एक बाइंग आई थी विद द वॉल्यूम, तो आज भी अभी ये डे हाई की तरफ ही है ऑलमोस्ट। करंट मार्केट प्राइस है 4420 का, टारगेट रख सकते हैं 4590 एंड 4650। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4290 का। दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल ने एक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया हुआ है, स्लोपिंग चैनल ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम में है। 4960 के करीबन मार्केट प्राइस है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 4910 का, टारगेट रहेगा 5060 एंड 5130। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स सुमित की तरफ से। कुणाल, आपकी तरफ से दो कॉल्स कौन सी होंगी? सो पूजा, मैं जो दो काउंटर बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफेंसिव काउंटर है और इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए भी हमें इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। जो पहला काउंटर है वो है टीसीएस का। अब देखिए, टीसीएस में ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने 3-4 दिनों में बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखी एम्फासिस में, उसके बाद हमने देखा मूवमेंट कल विप्रो में और आज ये टीसीएस शुरू हुआ है। इनफैक्ट टीसीएस ने कल भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, आज इसने एक डाउन चैनल का एक ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट जो है वो 17 जुलाई से लेके अब तक की एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सो मुझे प्रेजेंट लेवल पे ये काउंटर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसमें हम स्टॉप लॉस बना सकते हैं 3420 का और इसका जो पहला कंजर्वेटिव टारगेट है वो है 3485 का। जैसे वो टारगेट आएगा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस पोजिशन को लंबी अवधि के लिए कैरी करेंगे। और दूसरा जो काउंटर है वो है हिंदुस्तान लीवर का। अब ये काउंटर एक्सट्रीम नेगेटिव काउंटर हो चुका है, काउंटर ने अपना टॉप बनाया था 2750 पे, प्रेजेंटली ये 2500 पे चल रहा है, हमें बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्रीवियस बॉटम के पास ही मिल रहा है। सो ये एक लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली चुनिंदा काउंटर होगा मेरे लिए। मैं इसमें स्टॉप लॉस बताऊंगा 2490 का, जो प्रेजेंट लेवल से करीब 15-20 पॉइंट दूर है और इसका जो टारगेट कंजर्वेटिव टारगेट होगा वो है 2550 का। अगर वो टारगेट आता है तो इसमें भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इन दोनों पोजीशन को लंबी अवधि के लिए भी कैरी कर सकते हैं।